और इस वक्त की बड़ी खबर बीकानेर से। बीकानेर के कोलायत में दो पक्षों के बीच झगड़ा सामने आया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें, कोलायत के बज्जू में गाड़ी में आग लगाई गई है। जगासर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। थानाधिकारी फिलहाल मौके के लिए रवाना हो गए हैं। बीकानेर के कोलायत विधानसभा क्षेत्र में बताया जा रहा है कि मतदान के बीच दो गुटों में ये झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच रही है। बीकानेर से लक्ष्मण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। लक्ष्मण, क्या कुछ ये पूरी खबर सामने आ रही है, क्या ये मतदान के दौरान हुआ? देखिए सबीना, एसपी सवल सिंह गोदारा ने घटना की पुष्टि की है। अभी अभी एक जानकारी और आ रही है कि जागरवाला में भी मारपीट हुई है, चार लोगों के साथ मारपीट की गई है। निश्चित तौर पर जो झगड़ा है वो चुनाव से जुड़ा हुआ है। एक गाड़ी भी वहां पर फूकी गई है। हालांकि एसपी का दावा है कि मतदान केंद्र पर पुलिस जाब्ता तैनात है, वहां पर मतदान जारी है। लेकिन निश्चित तौर पर कोलायत विधानसभा में जैसे पहले कहा जा रहा था कि लगातार तनाव की स्थिति है और वहां पर ये घटना हुई है। बच्चू के ये दो गांव हैं जहां पर ये दो अलग अलग घटनाएं हुई हैं और एक गाड़ी में वहां पर आग लगाई गई है। एसपी सुभाष सिंह गोदारा ने बताया है कि अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी मौके पर भेजा गया है। लक्ष्मण, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हालात किस तरह के नजर आ रहे हैं? थोड़े काबू में नजर आ रहे हैं, फिर या क्या लगता है कि एक छोटी टीम के बाद इसे कंट्रोल कर लिया जाएगा? गाड़ी में आग लगा देना अपने आप में एक बड़ी घटना है और दो पक्षों में एक तरह की अगर बात होती है तो आप समझ सकते हैं निश्चित तौर पर असर मतदान जो करने वाले आते हैं उन पर पड़ता है। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि वहां पर शांतिपूर्ण व्यवस्था हमने कायम कर दी है, लेकिन जब इस तरह घटना हो जाती है तो जो मतदाता घर से निकलता है निश्चित तौर पर उस पर कहीं ना कहीं प्रेशराइज होता है वो। लेकिन यदि पूरी बात को समझे, कोलायत एक वोट सीट है जहाँ पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की पौत्र वधू चुनाव लड़ रही है और दूसरा कांग्रेस के विधायक भंवर सिंह भाटी वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी भले ही दावा किया जा रहा हो लेकिन कोलायत में लगता है तनाव की स्थिति रहने वाली, क्योंकि जिस तरह से अभी बहुत शुरुआती दौर था आप समझिए एक डेढ़ घंटा हुआ है और इस बीच इतना ही खबर है तो इसका मतलब वहाँ बहुत तनाव की स्थिति है। ठीक है लक्ष्मण, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बज्जू तहसील के जगासर गांव में दो गुटों के झड़प की खबर मिली है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है।